चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों। भिवंडी में ऑटो चालकों का आक्रोश। ऑटो चालकों ने मीडिया को बताया कि अगर हम 3 से 4 सवारी बैठाते हैं तो चालान काट दिया जाता है, फोटो खींच ली जाती है। मगर बसों में तो भर भर की सवारियां लेके जा रहे हैं, मगर उन पर ना कोई चालान है और ना ही कोई कार्रवाई। क्या गाइडलाइंस सिर्फ ऑटो चालकों के लिए बनाई गई है? क्या बस वालों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं? ऐसे में हमारे साथ बड़ी समस्या हो रही है, और चालान अगर काटना है तो सभी का काटें। हम सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और सभी गाइडलाइंस के साथ ही काम करेंगे, परंतु सरकार को चाहिए कि ऑटो चालकों के अलावा अन्य लोग भी जो बसों में भर भर के लेके जा रहे हैं सवारियों को, उनके ऊपर भी चालान कटना चाहिए। इस मौके पर क्रांतिवीर लहूजी सेना के भिवंडी युवा अध्यक्ष आलम हाशमी साहब ने बताया कि ऑटो चालकों के साथ ये जास्ती अच्छी नहीं है। सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है वो सभी के लिए होनी चाहिए, और ऐसे में सरकार से हम अपील करते हैं कि ऑटो चालकों के साथ न्याय हो और उनका समर्थन किया जाए, ताकि सरकार इन गाइडलाइनों का हम सही ढंग से निर्वहन और पालन कर सकें। मैं तो सबसे अस्सलाम वालेकुम, मैं क्रांतिवीर लवजी सेना भिवंडी शहर युवा आलम हुसैन बोल रहा हूँ। ये रिक्शे वाले हमारे पास आए और बोलने लगे भाई कि कानून तो एक सबका होता है, एक जैसे होता है, मगर कानून हमारे साथ सही नहीं कर रही है। क्योंकि रिक्शे में बोले हैं 2 सीट बैठने के लिए और एंट्री बस से पूरा भर भर के जा रहा है, जैसे कि उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। हम रिक्शे में हमारे 2 सीट 3 सीट जा रहे हैं, तो हर घर पे बल्कि जैसे वीडियो ले रहे, फोटो खींच रहे, केस कर रहे। इसके लिए रिक्शे वाले हमारे भाई बोले कि ये कानून नहीं है, ड्यूटी नहीं करते हैं। जो कि प्राइवेट बस चलती है उसमें आदमी खड़े होने की जगह नहीं है, उसमें कोरोना नहीं होता है। खाली रिक्शे वाले को 3 सीट ले करके कोरोना है, कोरोना है। एडीएम में भर के जा रही है, फुलून चेक नाका वाली बस भर के जा रही है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग कृपया होकर के ध्यान दें। पुलिस वाले नजायज रिक्शे वालों को तंग कर रहे हैं, छुट्टी खा लेंगे। हवलदार इंचार्ज यह कह रहे हैं कि 2 सीट पर ही है रिक्शा चलाए और 2 ही पैसेंजर बैठा है, तीसरा बैठाने के बाद अब 500 रुपये फाइन मार रहे हैं। और यहीं पे सुबह और शाम में TMT बस मुलुन चेकनाका 88 नंबर की बस आती है, वहाँ पे इतनी पब्लिक की ज़्यादा तादाद में पैसेंजर को भर लिया जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे रिक्शे में 3 सीट भरने पे कोरोना का अटैक होता है, और मुलुन चेकनाका के बस में इतने 100-150 पब्लिक पैसेंजर उसमें भर के ले जाते हैं, क्या उसमें कोरोना का पेशेंट नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मुलुन में लॉकडाउन लगा चुके हैं।